तो सबसे पहले मैंने आपको जो लास्ट वीडियो में क्वेश्चन एज अ होमवर्क दी थी, तो मैं आपको उसका आंसर बता देती हूँ. तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन डी. ओके, सो आज हम नेक्स्ट देखने वाले हैं, दैट इज़ हमने पिछले वीडियो में लेटर कोडिंग देखे थे, इस वीडियो में हम लेटर एंड न्यूमेरिकल कोडिंग देखने वाले हैं. तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, आइदर न्यूमेरिकल वैल्यूज आर असाइन टू अ वर्ड और अल्फाबेटिकल कोड्स वैल्यूज आर असाइन टू नंबर. मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो वर्ड्स होते हैं उसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं, या फिर जो अल्फाबेट्स होते हैं उन वर्ड्स में हम उसको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू यानी नंबर देते हैं. न्यूमेरिकल वैल्यू मीन्स वॉट, टू असाइन अ नंबर, उसे नंबर से डिनोट करना. तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन गिवन कोड सिस्टर इज कोडेड एज 535301 एंड अंकल इज कोडेड एज 84670, बॉय एज अ 129. सो हाउ रस्टिक रिटर्न इन द कोड. सो हमको ये इन्फॉर्मेशन का यूज करके रस्टिक को हम क्या कोड दे सकते हैं वो हमें बताना है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो सिस्टर है उसको डिकोड करते हैं. मतलब देखो यहाँ पे सिस्टर के लिए क्या कोड गिवन है, 535301. अब देखो सिस्टर में भी टोटल 6 लेटर्स है एंड ये जो यहाँ पे नंबर्स है 535301, इसमें भी टोटल 6 डिजिट्स है, राइट. तो यहाँ पे जो हमारा एस रहेगा, एस डिनोट करेगा 5 को, आई डिनोट करेगा 3 को, देन अगेन एस डिनोट कर रहा है 5 को, टी डिनोट कर रहा है 3 को. अभी देखो हमारे पास जो न्यूमेरिकल होते हैं, नंबर्स होते हैं, वो 0 से लेके 9 तक होते हैं यानी कि 10 डिजिट. एंड जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, अल्फ़ाबेट टोटल 26 है. तो हो सकता है कि एक ही नंबर, ओके, एक ही नंबर दो या दो से ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स के लिए यूज़ किया जा सके. जैसे कि यहाँ पे हम आई के लिए भी 3 बता रहे थे एंड टी के लिए भी अगेन देर इज 3. ओके, देन ई के लिए क्या रहेगा, 0 एंड आर के लिए 1. तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे इसको टेबल में लिख लेती हूँ. तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एस आई एस टी ई आर सिस्टर, देन उसी तरह इसको असाइन किए हुए न्यूमेरिकल वैल्यू दैट इज 535301. ओके, इसको मैंने टेबल में लिख ली. अब उसी तरह से जो अंकल है, अंकल को भी मैंने, हमको क्या दिया हुआ था उसके लिए 84670, राइट. तो उसको भी मैं टेबल में लिख लेती हूँ और उसको असाइन वैल्यू. ओके, देन उसके बाद सिमिलरली हमको बॉय के लिए क्या गिवन है, 129, राइट. तो बॉय को भी मैंने उस टेबल में लिख ली, उसके अल्फाबेट्स को सेपरेट करके, देन उसे असाइन की हुई न्यूमेरिकल वैल्यू दैट इज 129. अब ये जो यहाँ पे टेबल हमने प्रिपेयर किए हैं अल्फ़ाबेट्स का दैट डिनोटिंग द न्यूमेरिकल वैल्यू, तो मैं इसे यूज़ करूँगी टू कोड रस्टिक वर्ड. ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखी रस्टिक. अब यहाँ पे देखो जो आर है, आर के लिए कौन सा नंबर यूज़ किया हुआ है, 1, राइट. देन यू के लिए यहाँ पे कौन सा नंबर यूज़ किया हुआ है, 8, तो यहाँ पे लिखेंगे 8. देन आफ्टर दैट एस के लिए क्या यूज़ किया हुआ है, 5, सो आई हैव रिटन 5. देन आफ्टर दैट टी, टी के लिए क्या यूज़ किया है, 3, राइट. तो मैंने यहाँ पे लिखी 3. देन आफ्टर दैट आई, आई के लिए क्या है यहाँ पे, 3, सो आई हैव रिटन अगेन 3. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 डबल डबल आया है. एंड द लास्ट वन इज सी, तो सी के लिए क्या है, 6, राइट. सो इस तरह से हमने ये रस्टिक को कोड किया है बाय यूजिंग न्यूमेरिकल वैल्यू. फॉर विच, सो व्हाट कोड इज देयर फॉर रस्टिक, 185336. सो इस ऑप्शन में से वो कौन सा ऑप्शन है, यस करेक्ट, द ऑप्शन बी इज करेक्ट. सो इसी तरह से हम सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं. चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है. सो इन सेकंड क्वेश्चन अगेन वी हैव गिवन सर्टन नंबर दैट इज इन अ सर्टन कोड, रीजन इज रिटन एज 621754, ट्रुथ एज 86983. तो इसका यूज़ करके हमको ट्रेजन को कोड करना है. तो अगेन हम यहाँ पे भी सेम करेंगे. अब रीजन के लिए हमको क्या कोड गिवन है, 621754, राइट, एंड 54. ओके, सो यहाँ पे रीजन को हम इस टेबल में लिख लेते हैं लाइक दिस, सेपरेटिंग ईच अल्फ़ाबेट, देन उसको जो असाइन की हुई है वैल्यू दैट इज 621754 वो हम लिख लेते हैं. देन उसी तरह से जो ट्रूथ हमको दिया था उसके लिए क्या कोड था, 86983, राइट. सो ट्रूथ को भी मैं टेबल में लिख लेती हूँ और उसको असाइन की हुई न्यूमेरिकल वैल्यू. तो अब इस टेबल का यूज़ करके हम ट्रेजन के लिए कोड डिफाइन करेंगे. सो फॉर टी यहाँ पे देखते हैं, टी के लिए क्या है, 8 है, राइट. देन आफ्टर दैट आर, आर के लिए क्या कोड गिवन है, 6, सो आफ्टर 8 वी विल राइट 6. देन ई, ई के लिए क्या गिवन है, ई के लिए वी आर हैविंग 2, सो वी विल राइट 2. देन आफ्टर ई देर इज ए, ए के लिए क्या है, 1, सो वी विल राइट 1. देन फॉर एस, फॉर एस देर इज 7, सो वी हैव टू राइट 7. देन 7 के बाद है ओ,
एस के बाद है ओ, सो ओ के लिए हमें फाइव गिवन है, सो वी विल राइट फाइव. देन उसके बाद लास्ट वन इज एन, सो फॉर एन विच न्यूमेरिकल वैल्यू इज टू बी असाइन फोर, राइट. सो इन दिस वे हमने ट्रिजन को कोड किए है नंबर में, न्यूमेरिकल वैल्यू में, विच इज 8621754. ओके, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट. ओके, सो नाउ आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन एज अ होमवर्क एंड यू हैव टू सॉल्व इट, एंड उसका क्या आंसर आता है आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, एंड हाउ यू गॉट दैट आंसर. ओके, सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आई विल प्रोवाइड इन नेक्स्ट वीडियो. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय, टेक केयर.